साथियों, दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं एक ना एक दिन उनकी किस्मत बदलेगी और उनकी जिंदगी सवर जाएगी, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन लंबा समय बीत जाता, उनकी जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता, उनकी जिंदगी कभी भी बेहतर नहीं होती है। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है। मेरा दावा है कि अगर अंत तक इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी किस्मत आपके अनुसार काम करेगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा किस्मत आपकी साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। आप जितनी तेज भागेंगे उतनी तेज आपके साथ आपकी किस्मत दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ धावक की कहानी लेकर आया हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी भी किस्मत इसी प्रकार से बदल सकती है, आपके इस भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव आ सकता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं 1986 में जमैका में जन्मे सर्वश्रेष्ठ धावक हुसैन बोल्ट की। हुसैन बोल्ट की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बेहतर नहीं था। बचपन में जब उनका जन्म हुआ तो ना उनके घर में लाइट थी और ना पीने के पानी की कोई व्यवस्था थी। घोर आर्थिक संकट था, यानी आप कह सकते हैं कि उनकी किस्मत बहुत बेकार थी, उनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। परचून की एक दुकान थी, बस उसी से पूरे परिवार का खर्च चला करता था। हुसैन बोल्ट को कभी कभी ये लगता था कि मेरी किस्मत कैसी है और मेरे किस्मत की बाजी कैसे पलटेगी। उसी प्रयास में वो लगातार निरंतर लगे रहते थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता था, उन्हें कोई ट्रैक नहीं मिलता था। एक दिन एक व्यक्ति ने हुसैन बोल्ट को कहा कि तुम बहुत अच्छा दौड़ लेते हो और इसलिए दौड़ने की प्रैक्टिस करो, शायद तुम्हारा भाग्य बदल जाए, शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। हुसैन बोल्ट ने इस बात को अपने जीवन में उतारा और उसी दिन से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। दिन रात दौड़ना शुरू कर दिया, लगातार उन्होंने प्रयास जारी रखा। लगातार प्रयास करते करते 2008 का वक्त आया जो हुसैन बोल्ट की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। 2008 के ओलंपिक में हुसैन बोल्ट ने एक नया इतिहास रचने का काम किया। हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 100x4 यानी रिले रेस, तीनों प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल हासिल करने का काम किया, अपने देश का नाम रोशन कर दिया। फिर हुसैन बोल्ट ने जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2012 और 2016 के ओलंपिक में भी हुसैन बोल्ट ने तीनों प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल हासिल करने का काम किया। हुसैन बोल्ट का 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है उसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका, यानी 9.58 सेकंड में हुसैन बोल्ट ने गोल्ड मेडल हासिल करने का काम किया। 100 मीटर का ये उनका सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड था। हुसैन बोल्ट के इस रिकॉर्ड पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया, उनसे कहा कि हुसैन तुम्हारी तो किस्मत बदल गई, तुम्हारी तो किस्मत ने चमत्कार कर दिया और तुम 100 मीटर में एक नया अध्याय, नया इतिहास रचने का काम तुमने कर दिया। हुसैन बोल्ट उस समय खड़े हो जाते हैं, मीडिया कर्मियों से सवाल करते हैं कि जिस 9.58 सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी जो 10 सेकंड से भी कम है, उसको जीतने के लिए जानते हैं मैंने 10 साल लंबा वक्त लगाया, दिन रात एक कर दिया, रातों की नींद और दिन के चैन की भी परवाह मैंने नहीं की, यानी लगातार मैंने प्रयास किया, अभ्यास किया। हुसैन बोल्ट ने यह बताने का काम किया कि 9.58 सेकंड अपनी मुट्ठी में करने के लिए एक धावक को 5 से लेकर 10 साल तक कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तब ये इतना समय उसकी मुट्ठी में आता है, तब वो एक नया इतिहास रचता है। हुसैन बोल्ट ने ये साबित कर दिया कि किस्मत अगर किसी की बहुत खराब है, बहुत बेकार है, तो वो अपनी कुव्वत से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकता है। साथियों, हुसैन बोल्ट की जिंदगी से हमें सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक बेहद गरीब परिवार का लड़का, उसने अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया, अपनी किस्मत को बदलने का काम किया। इसलिए आज से आप तय करिए, निर्णय लीजिए कि अपनी किस्मत को खुद ब खुद आप लिखेंगे। और जिस दिन आपने अपनी किस्मत को लिखने का काम कर लिया, तो तय मानिए जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके साथ आपकी किस्मत चलने के लिए तैयार हो जाएगी। जिस तरह से उससे आप काम कराना चाहेंगे, उस तरह से आपकी किस्मत आपके साथ
काम करेगी। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करिए जो आज भी अभी भी किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि एक न एक दिन उनकी किस्मत बदलेगी और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे लोगों तक शेयर करिए जो तंत्र विद्याओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसा जादू चलेगा जो उनकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जिससे उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। साथियों, आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेरी कहीं एक छोटी सी भी बात आपके दिल में घर कर गई हो, दिल में जगह बना गई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।